एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाई अलर्ट पर नागपुर पुलिस, 2500 जवानों की तैनाती, चप्पे चप्पे की सुरक्षा। स्वावलंबी नगर में मकान से गहने चोरी, 262 ट्रेनों के चलने से राहत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। गणतंत्र दिवस पर किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए नागपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है। जश्न ए मोहम्मद के आतंकी द्वारा संघ मुख्यालय की रैंकिंग किए जाने के मद्देनजर पुलिस ने उपराजधानी की किलेबंदी की है। महत्वपूर्ण स्थल और भीड़भाड़ वाले इलाके की सुरक्षा और निगरानी के लिए सशस्त्र एवं खुफिया कर्मियों की तैनाती की गई है। शहर में 2500 से अधिक जवानों को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। ज्ञात हो कि गत दिनों ही जश्न ए मोहब्बत के आतंकी रईस द्वारा 14 जुलाई 2021 को संघ मुख्यालय की रेकी किए जाने का खुलासा हुआ है। दिसंबर में विस्फोटक के साथ रईस जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगा था। उससे पूछताछ में नागपुर आकर रेकी किए जाने का खुलासा हुआ। 23 दिसंबर को इसकी सूचना मिलने के बाद नागपुर पुलिस सक्रिय हुई है। इसे देखते हुए सुरक्षा के प्रबंध बेहद कड़े कर दिए गए हैं। पुलिस ने होटल लॉज की तलाशी ली है, यहाँ ठहरे लोगों का ब्यौरा भी लिया है। गणतंत्र दिवस की आड़ में हुड़दंग मचाने वाले पर भी कार्यवाही करने के प्रबंध किए गए हैं। यहाँ रैली निकालने वालों पर कार्यवाही होगी। अगली खबर, प्रताप नगर थाने के तहत स्वावलंबी नगर स्थित मकान में अज्ञात आरोपी ने नकदी व गहने सहित 1,62,000 रुपए का सामान चुरा लिया। यह घटना मंगलवार की सुबह 6 बजे हुई। फरियादी इंद्र प्रसाद ले आउट निवासी नीलम श्याम बंड है। सुबह नीलम बंड आंगन में झाड़ू लगा रही थी। इसके बाद घर के भीतर जाने पर हॉल और बेडरूम की अलमारी खुली दिखाई दी। जांच करने पर अलमारी से नकदी 2000 और गहने चोरी होने का पता चला। प्रतापनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगली खबर, एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच एसटी महामंडल किसी तरह 73 बसें चलाने में ही कामयाब हो पाया है, लेकिन इस बीच नागपुर मंडल से 262 ट्रेन चलने की वजह से बस से सफर करने वालों को काफी राहत मिल गई है। इसी वजह से अब ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति बनने लगी है। मुंबई की ओर चलने वाली तकरीबन सारी गाड़ियां फुल है। विदर्भ एक्सप्रेस में 27 व 29 जनवरी को 3 वेटिंग है। नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस में 29 जनवरी तक 7 वेटिंग है। नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में 2 बर्थ ही शेष है। वर्तमान में 10 पैसेंजर ट्रेनें ही शुरू की गई है, जबकि नागपुर अमरावती, नागपुर वर्धा, नागपुर भुसावल, अजनी काजीपेट और वर्धा बल्लार शाह पैसेंजर अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।